बात करने वाला हूँ एक ऐसे राज पर जिसकी वजह से अधिकतर लोग सक्सेस हुए हैं। आज मैं आपसे बिजनेस की बात करने नहीं आया हूँ। आज आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिए। मैं आज आपको दुनिया के सबसे महानतम दो ऐसे इंसानों से मिलवाने वाला हूँ। उनसे बड़ा इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको अपने मम्मी और पापा से। बोलिए ना एक बार माँ। जब हम माँ बोलते हैं ना तो हमारा पूरा मुंह भर जाता है। जिंदगी में आप तब तक सक्सेस नहीं हो सकते, आप अपने सपने पूरे तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके साथ आपके माँ बाप का आशीर्वाद ना हो। माँ अपने आप में पूरी दुनिया है। जब भगवान इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सभी भगवान इकट्ठे हुए और बोला कि हम हर जगह पानी पहुंचा देंगे, आग पहुंचा देंगे, हवा पहुंचा देंगे, सभी चीज पहुंचा देंगे, लेकिन मानो कैसे पहुंचाएंगे? तो बोला गया कि हम हर जगह भगवान को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हर जगह माँ को पहुंचा दीजिए। अर्थात माँ को भगवान की पदवी दी गई है, माँ को सबसे बड़ी पदवी दी गई है। इस्लाम धर्म में भी बताया गया है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हर धर्म में माँ को सबसे बड़ा ओहदा दिया गया है। मोहम्मद साहब से एक बार एक शख्स ने पूछा कि साहब, मैंने अपने पापा मम्मी को अपने कंधे पर 7 बार हज करवा लिया, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स के मम्मी पापा के कर्ज से मुक्त हो गया? क्या मैं अपनी माँ के कर्ज से मुक्त हो गया? तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि सबसे जिस दिन तू इस दुनिया में आ रहा था उस वक्त तेरी माँ ने जो पहली तरफ की आह भरी थी, अभी तक तो उसका तू अभी कर्ज नहीं चुका पाया, तो अपने माँ बाप का कर्ज कैसे चुका पाएगा? दोस्तों, फादर पापा, जब हम बचपन में छोटे थे तब हम 15 अगस्त को पापा नई सूट चाहिए, 26 जनवरी को पापा नए कपड़े चाहिए, पापा पर दिवाली को फटाखे चाहिए, होली को पिचकारी चाहिए, और हमारे पापा जवाब देते हैं बेटा आ जाएंगे, बेटा हो जाएगा। अरे यार, कभी उनका पर्स तो चेक कर लिया होता, कभी उनके जूते चेक तो कर लिए होते, इसलिए कितने छेद है यार। दोस्त, इनका कभी दिल मत दुखाना। अगर आप सच में कामयाबी का राज जानना चाहते हैं, अगर आप रियल में कामयाबी का राज जानना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कामयाबी का राज है आपके माँ बाप की दुआएं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके माँ बाप का प्यार। मेडिकल साइंस ये बोलता है कि 10 डेसिबल से ज़्यादा पेन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारी माँ ने 12 डेसिबल पेन बर्दाश्त किया। अर्थात 1000 हड्डियाँ एक साथ टूटने पर जो पेन होता है उसको सहन किया, किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। एक बात सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब हम इस दुनिया में आ रहे थे तब डॉक्टर हमारी मम्मी से बोलता, हमारी माँ से बोलता कि मैडम क्रिटिकल केस है, हम 2 जान में से केवल 1 जान ही बचा पाएंगे, या तो माँ आपको बचा सकते हैं या आपकी संतान को। तो मुझे पता ही है आपकी माँ का, हमारी माँ का जवाब क्या होता। ऑब्वियसली संतान को बच्चा ही है, और वो संतान कौन है? आप और हम, और हम ही वो लोग हैं जो उनके साथ धोखा करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो उनको हम हट करते हैं। और आज हमें अपने पापा मम्मी से ऐसे बात करने की फुर्सत नहीं है यार। क्या हो गया है हमारे समाज को, क्या हो गया है हमारी जनरेशन को, क्या हो गया है हमारे बचपन के बच्चों को? सबसे खराब यंत्र, सबसे खराब से जब आप अपनी मम्मी के पास बैठते हो, दिन भर आगे दबसते हैं,
फेसबुक कभी इंस्टाग्राम चला लेते हैं। हमारे लोगों से एक बार दिल से उनके पास बैठिए, एक बार उनके पास दिल से बैठ जाओ। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ बाप के चरण छुए जाओ, माँ बाप के चरण छुए जाओ, चार धाम तीर्थ फल जाए। माँ बाप के चरण छुए जाओ, चार धाम तीर्थ फल जाए। और दिल से आशीष दे डाले, दिल से आशीष दे डाले, दोस्तों अपने मम्मी पापा का कभी दिल मत दुखाना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो उन सपनों का जो रास्ता है आपके पापा मम्मी के चरणों से होकर गुजरता है। मैं बस आपसे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, आपको अपनी लाइफ में बड़ा हासिल करना है, तो अपने माँ बाप के दिल का भी मत दुखाना, अपने माँ बाप को कभी हर्ट मत करना। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का आदर करें, बड़ों का आदर करें, लोगों से प्यार से बात करें, लोगों की भावनाएं समझे, अपने पापा मम्मी की फीलिंग को समझे, उनको टाइम दे, उनसे बातें करें, उनके सुख दुख में साथी बने। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वो लाइक भी कर दीजिए। अगर मैं आपके दिल तक पहुंचने में कामयाब रहा हूँ तो वीडियो कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।